टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। टमाटर के अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य में पिछले महीने की तुलना में 29% की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि बाजार में इसकी आवक में सुधार हुआ है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मॉनसून की बारिश के कारण मंडियों में आवक बढ़ी है। बयान में कहा गया कि प्याज की खुदरा कीमत भी पिछले साल के मुकाबले 9% कम यानी काफी हद तक नियंत्रण में है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार टमाटर का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य बता दें 37.35 रुपये प्रति किलोग्राम पर चलता हुआ दिखाई दिया, जबकि एक महीने पहले समान अवधि में ये 52.5 रुपए प्रति किलोग्राम था। आंकड़ों के अनुसार प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत बता दें मंगलवार को 25.78 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। मंत्रालय के अनुसार सरकार ने चालू वर्ष में 2.50 लाख टन प्याज का भंडार तैयार किया, जो अब तक का सबसे अधिक खरीदा गया प्याज का बफर स्टॉक है। इसमें कहा गया कि बफर की खरीद में कृषि मंत्रालय द्वारा 317.03 लाख टन के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद इस साल प्याज की मंडी कीमत को टूटने से बचाने में मदद की। मंत्रालय ने कहा प्याज का बफर स्टॉक अगस्त दिसंबर के दौरान कीमतों की तेजी को कम करने के लिए सुनियोजित और लक्षित तरीके से जारी किया जाएगा। वहीं स्टॉक को लक्षित खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से जारी किया जाएगा और इसे खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी एजेंसियों को दिया जाएगा। इसमें कहा गया कि खुले बाजार में जारी करने के लिए उन राज्यों, शहरों को लक्षित किया जाएगा जहां कीमतें पिछले महीने की तुलना में बढ़ रही हैं और इसे उन प्रमुख में भी प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।